आदर प्रणाम, मैं हूं आपका नवीन और स्वागत करता हूं मेड इन काशी में। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास मेहमान से करवाने जा रहा हूं, जो कि कोरिया में नहीं, हम तो कहेंगे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, कोरिया का लाला नाम से। जी हां, मिस्टर जुनहा ली। तो अरे नमस्ते, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेड इन काशी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर हैं, ये कोरिया में ही नहीं बल्कि विश्व में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है हानयांग यूनिवर्सिटी, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा को सीखने की ललक कहाँ से आपके पास हुई? देखिए, हिंदी भाषा को सीखने की जो ललक हुई है ना, ये हम जब 15 साल के थे तो हमारे शिक्षक ने क्लास में हमें मूवी दिखाई थी 3 इडियट्स नाम की। तब वो मूवी ही मेरी एक प्रेरणा थी कि मूवी देख के मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने उस देश यानी भारत के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, अभी पता चला कि भारत दुनिया का एक नंबर वन मूवी प्रोडक्शन देश के नाम से भी जाना जाता है। तो तब हमारे मन में ये आया कि चलो, अगर इनके देश इस देश की मूवी इतनी फेमस है, इतनी अच्छी है, तो हम इनकी भाषा सीख के इनकी मूवी वगैरह को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। और उसके साथ हम हिंदी गाने, मूवी, सीरियल वगैरह देखने लगे और हमें इतना अच्छा लग गया कि सीखते गए। क्या बात है। हाँ जी, और आप जो है निरंतर चलते रहे। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको मूवी से इंस्पिरेशन मिला हिंदी सीखने का, उसके साथ साथ आप इंडिया बहुत भ्रमण किए होंगे। हाँ। तो कहाँ कहाँ आप भ्रमण किए हैं और कैसा आपको लगा अपना मेरा देश, भारत? हाँ। देश कैसा लगा? देखिए, मैंने एक बार इसका गिन के देखा है कि अभी तक मैं 5 बार भारत जा चुका हूँ। तो और 5 बार के भ्रमण पे मैंने भारत के लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया। 75 डिस्ट्रिक्ट मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य होते हैं, वहां छोड़ के ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां मैं नहीं गया। और इंडिया तो जनरली अच्छा लगा मुझे, वहाँ के जो क्या बोलते हैं, ऐसा होता है कि थोड़ा अपनापन सा लगता है वहाँ पे। और वहाँ का खाना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या होता है ना, हम कोरिया के लोग स्पाइसी पसंद करते हैं और भारत का खाना भी मसालेदार रहता ही है। तो और इतिहास तो है ही उसका, क्या होता है। तो आप अलग अलग प्रांत मतलब स्टेट आप घूमे, तो आपको कौन सा स्टेट ऐसा लगा कि जैसे एक्चुअली बहुत सारे स्टेट आप घूमे? हाँ। अलग अलग हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, सही बात है। हाँ। ठीक है, अपना अलग मदर टंग है, लैंग्वेज है। हाँ। तो आप तो सब लैंग्वेज नहीं जानते होंगे। हाँ। तो हिंदी के अलावा आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं? हम हिंदी के अलावा बंगाली जानते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। थोड़ा बात करिए भोजपुरी में। अच्छा ठीक है। तो के बनारस कैसा लगल? बनारस जब गल तो हमारा बनारस बड़का चौचक लगल। फरवरी में गई लाने बनारस, और फरवरी में हम पहली बार 2016 में हम पहले बार बनारस के भ्रमण पे निकल गए लेवा। उसके बाद 2017 में हम दूसरी बार फरवरी में, जब बनारस का मौसम सबसे नीमन होला, तो बनारस गई ले बानी। जैसे गंगा के बहाव पूरे नगर को जवन शांति देहला। हाँ। और हमारे मन को एकदम मोहित कर देला। हाँ। तो आप एक 80 घाट है, 80 घाट। हाँ हाँ। तो वहाँ 80 घाट में एक ठेठपन मतलब कि वहाँ थोड़ा शुद्धपन। हाँ। मतलब वहाँ जब लोग चाय पियलन। हाँ। तो एक जैसे कि एक गाली गलौज देके बात कर लन। हाँ हाँ। कारे चाय पी ले, कारे चाय पी ले, का करत रहले रे। ये जो रे वाला भाषा है तो। हाँ। आपको वहाँ कैसा लगा? ठीक है, दरअसल हमारा का लगता है ना कि जैसे एक तरफ पश्चिम यूपी और बनारस जो कि पूर्व यूपी है, जैसे मतलब दोनों में दूरी इतनी है ना कि हम सब पहले हम पश्चिम यूपी गए गुज्जरों जाटों के ठेला। हाँ। और वहां होके जब हम पूर्व यूपी आए ना, तो थोड़ा मतलब गाली तो देते हैं, इंसान का नेचर है, कोरिया के लोग भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि कहाँ के लोग ज्यादा कम देते हैं, उसका हमरा नहीं लगता कि कोई अंतर है, लेकिन थोड़ा मीठा लगा जैसे कि उनके गाली में भी अपनापन है। कि आपको तो पता है ना, वो भाषा किन्हीं के साथ निकलते हैं, जब आप अंतिम बहुत पुराने दोस्तों के साथ, गली वाले दोस्तों के साथ होते हैं तभी ना निकलते हैं। हाँ, है कि नहीं? इसलिए उसमें भी एक अपनापन है। बनारस आप गए, जैसे लगा कि आपको बनारस में आप घुल मिल गए। हाँ। और आपको अपनापन लगा, तो ऐसा और कहीं दूसरे स्टेट में आपको लगा? जैसे
बंगाल में, बंगाल दिल्ली वगैरह में, बंगाल के लोग अच्छे होते हैं, जनरली अच्छे होते हैं, और उनकी भाषा तो अलग ही, वो लोग अलग भाषा बोलते हैं, मैं उनकी भाषा भी जानता हूँ। तो उनके जो भी कल्चर होता है ना, मेरा मतलब हमारे कोरियन लोगों की जो जन्मजात नेचर है उनसे काफी मिलता है, तो वहां पे भी मुझे काफी अपनापन लगा। तो अभी आप जो है हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन? अभी मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई करके आप अपने आप को करियर कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी हिंदी में कुछ कुछ कोरियन लोगों को हिंदी पढ़ाता भी हूँ, और मैं अनुवाद का काम भी करता हूँ। मैं देखिए भविष्य में क्या करना है मैंने कम सोचा है, मतलब मेरा ये मानना है कि हमें किस्मत जहाँ ले जाएगी वो ले जाएगी, लेकिन हम हिंदी में हमारे जो सपना है, जिंदगी के मजा है, वो तो ले ही रहे हैं, तो हिंदी से जो बन पाएगा हम वो कर लेंगे, बस इतना सोचा है। बस ठेस ऐसा प्लान नहीं बनाया कि हमें इसी में जाना है वो जाना है, हमें ऐसा अच्छा, कोई ठेस प्लान नहीं बनाया। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप जो है धारा में बहते जा रहे हैं जहां तक जाए। हाँ, जैसे कोरिया में हन रिवर की धारा हाँ, है, सही हन, बात है। हंगान, हाँ, हाँ, इंडिया में गंगा की धारा है, तो आप धारा में चलते जा रहे हैं जहां ले जाए, जहां किनारे लगा। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ भारत में जो लोग हैं उनको हिंदी सीखने के लिए कुछ प्रेरित करने के लिए कोई संदेश दें, जिससे कि वो लोग भी आप जैसे इतना मेहनत से हिंदी सीख रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं जैसा आपने बताया, तो कुछ ऐसा बताएं जिससे कि वो लोग भी प्रेरित हों कि अच्छा, हिंदी अपनी मातृभाषा है, सीखना ही चाहिए। अनुभव के आधार पर ऐसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों में घूमा, दुनिया में मुझे घूमना अच्छा लगता है, और मैं कोरिया में रहता हूँ। तो देखिये, हर देशों में ऐसा होता है कि अपनी भाषा को प्रेफरेंस दी जाती है, और विदेश लोग वहाँ उसमें रहने आते हैं तो उस देश की भाषा सीखते हैं। लेकिन मैंने ये बात नोटिस की है कि आजकल भारत में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि अच्छी नौकरी के लिए हिंदी तो पीछे छोड़ो, अभी अपने देश के नागरिकों को ही अंग्रेजी सीखने की नौबत आ गई। तो देखिए, अंग्रेजी सीखना कोई गलत बात नहीं आजकल के ज़माने में, लेकिन मैं बस एक ही बात ही कहना चाहता हूँ कि अपने संस्कृति के, अपनी भाषा की रक्षा वहाँ के लोगों को ही खुद करनी पड़ती है, बस इतना ही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और मुझे लग रहा है कि लोग इससे प्रेरित होंगे, क्योंकि अपनी संस्कृति को भूलकर आदमी भूल जाएगा खुद ही अपने आप को। सही है, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना जो भाषा है उसको आदमी को अमल में लाना चाहिए, ताकि हम अपना मदर टंग, हम अपनी भाषा न भूले। ये अच्छी बात है कि अपनी मदर भाषा, मदर टंग के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं। जैसे नवीन जी हैं, नवीन जी हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उसके साथ साथ कोरियन जानते हैं, तो ये तो अब हिंदी भी नहीं भूले, ना तो इंग्लिश भूले, हिंदी के में अपना ये लेख लिखते हैं, हिंदी में बुक लिखते हैं, हिंदी में कविताएं लिखते हैं, हिंदी को नहीं छोड़े, उसके साथ साथ इनकी जो पकड़ है कोरियन में भी है। बहुत अच्छी कोरियन बोलते हैं, बहुत अच्छा कोरियन बोलते हैं। इस तरह से लोगों को अपनी भाषा को बनाए रखना। हाँ, बिल्कुल सही। तो हम एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी हिंदी सीखने की प्रेरणा इंडियन मूवी से मिली ना, थ्री इडियट्स। हाँ। तो इसमें जहां भी आप कोरिया में जाइए एक डायलॉग बहुत फेमस है, ऑल इज वेल। हाँ। तो वो एक बार आप बोलिए और फिर हम उस मूवी के बारे में बताएंगे, बात करेंगे। ऑल इज वेल ऐसे बोलते हैं। ऑल इज वेल। अच्छा सर, आप बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अच्छा, अब हम भी प्रयास करते हैं। उसमें वो इसी बात पे फोकस था है। हाँ। कि नॉर्मली अगर कोई बाहर का आदमी बोलता है जो उनका नेचुरल एक्सेंट है, वो बोलेगा ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। लेकिन इसमें बड़ा मेहनत है, तो इसीलिए आमिर खान जी सिखाते हैं कि ऑल इज वेल, फ्री होके बोलो ऑल इज वेल। नहीं सर, हीरोइन में कौन अच्छा लगता है आपको? हीरोइन में दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। पहले मूवी बहुत देखता था, माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैंने थोड़ा मूवी देखना कम कर दिया, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि 2000 तक मूवी बहुत अच्छी आती थी, तब माधुरी दीक्षित ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हर मूवी में, है कि नहीं? तो वो तो है, मतलब
अभी तो जैसे जमाने के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन मेरे दिमाग और याद में सबसे बढ़िया तो वही है। माधुरी दीक्षित। हाँ हाँ अल्टीमेट है। तो इतना चाहिए। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, आप कोरियन से शादी करना चाहेंगे कि इंडियन से? ये सवाल एक्चुअली मेरा भी था। देखिए ये जो प्रश्न आपने पूछा ना, ये हमारा बड़ा दिमाग है चल रहा है, मतलब दिमाग के सतावे ले कि हमारा का करी के वाले, अब हम ही सोचत रहने के हम का करी के बा, अभी सारी को सोचने के लिए हमारी उम्र कहाँ हुई है। सही बात है। कोरिया में लोग आफ्टर 30 या अराउंड 35 शादी करते हैं। सही बात। अभी तीन की एज बच्चों की एज है, तो क्योंकि अभी ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मतलब बीए हमारे यहाँ बोला जाता है, तो ये बीए कर रहे हैं, बीए के थर्ड ईयर में हैं, तो अभी तो बच्चे हैं, तभी इनकी शादी करने की उम्र नहीं है। तो हमने ढेर सारी बातें करी इनका, और जुनाहक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम।